सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो सकता है, और लेट होने के क्या ऐसे रीज़न हमने दिए थे, सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब सभी प्रशिक्षु इससे सहमत हैं तो क्या पीएनपी जो भी हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है इसको प्रमोट करेगी भी या नहीं, या फिर जब वो सब कुछ सही हो जाएगा, यानी अगर हम सिंपल कहें तो जब चुनाव हो जाएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से आप सभी का एग्ज़ाम करवाएगी, तो इससे क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो आपका सत्र है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा और जो नई शिक्षक भर्ती है आप उससे वंचित रह जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको आगे क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु को इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम से रिलेटेड वो मिल सके और उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी है वो कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो आपका 2019 बैच है, जो थर्ड सेमेस्टर है, ये 6 फरवरी को ही कम्प्लीट हो गया है, और यहाँ पर अभी जो मंथ चलेगा या चल रहा है, यहाँ पे मार्च का लास्ट डेट है आज, और कल से 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप सभी को पता है, जैसे कि मैं अगर आप सभी को नोटिस दिखाऊँ यहाँ पे यूपी का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब क्या हो रहा है, कोविड-19, जी हाँ फ्रेंड्स, कोविड जो संक्रमण है ना, अब इससे रिलेटेड मतलब यहाँ पर आप देख सकेंगे, पहले जो स्कूल बंद था, यहाँ पर देखिए क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी प्रसिद्धि एवं निजी विद्यालयों को रविवार 4 अप्रैल 2021 तक बंद रखने का निर्देश, और अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मतलब अगर हम कहें तो चुनाव के लिए हो तो उसके लिए कुछ भी मतलब बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगर एग्ज़ाम की बात हो या स्कूल कॉलेज की बात हो तो क्या होता है, नए नए नियम लागू होने लगते हैं। तो ये मतलब जो भी नियम है सही है, बट जो आपका एग्ज़ाम है वो भी लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये पूरा अप्रैल जो है ना, इसमें मतलब एग्ज़ाम होने के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अगर पीएनपी 3 दिन में 20 अप्रैल से पहले एग्ज़ाम करवा देती है तो ठीक, लेकिन अगर हम कहें तो बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहा है, और कंफर्म है कि अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा। और फ्रेंड्स, हमने ये भी बताया था कि मई में भी एग्ज़ाम होने के 100% में से 1% चांसेस बन रहे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। अब बहुत सारे प्रशिक्षु कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, अब मई में तो एग्ज़ाम हो सकता है, बट देखिए गाइस, यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेकेंड वीक से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होगा, और आपको बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। आप 2019 बैच जब प्रथम सेमेस्टर में थे तब आपने देखा था कि उस टाइम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका एग्ज़ाम था इसको क्या कर दिया गया था, थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया था। अब यही परिस्थितियाँ रही तो ऐसा ही थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। तो ऐसा अगर हम देखें तो जो आपका एग्ज़ाम है वो जून माह में जा सकता है, ये कन्फर्म है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए आगे आपको करना क्या है, आपको नई शिक्षक भर्ती में शामिल होना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि पीएनपी ने बोला है कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो डेट शीट है वो जारी करेगी, और अगर हम कहें तो बहुत ही कम चांसेस है कि अगर वो जारी कर भी देगी तो ये कन्फर्म है कि मई के लास्ट में ही एग्ज़ाम करवाएगी, वरना अगर हम कहें तो अभी तो वो कोई वर्क भी प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। बट देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक्टिव सक्रिय रहना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने उस दिन पीएनपी का घेराव किया था 18 फरवरी को, तो पीएनपी को आना ही पड़ा, उन्होंने ये बताया कि जो डेट शीट है, मतलब एक तरीके से कहें
तो उनको बस ये बता दिया गया कि जो डेट शीट है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी ना होता है कि आप एग्ज़ाम ना देकर डेट शीट कहो कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल। अब ऐसा क्या है कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में? आपको पता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर विचार किया जाएगा कि क्या सब कुछ खाली है भी या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब आप सभी को जितनी भी 2019 बैच के साथी हैं एक साथ आना होगा, और सिर्फ पीएनपी से एक ही पॉइंट आप रखिए कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने को आ रहा है और अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो किस तरीके से होगा? और अगर मई तक थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करिए और उसके बाद से जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो एक मंथ के बाद जल्द से जल्द, या मतलब क्योंकि बहुत सारे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी टाइमिंग 2 या 3 महीने का मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आप सभी के लिए टाइमिंग दी जाएगी, बट सबसे पहले तो आप सभी को एग्ज़ाम डेट शीट निकलवाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पीएनपी है वो कुछ भी काम टाइम पे नहीं करती है। डेट शीट निकलवाने में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में क्या, आप खुद एक बार सोचिए। तो इसलिए देखते हैं कि यहाँ पर पीएनपी 2 से 10 अप्रैल के बीच में नोटिस कोई जारी करती है या नहीं। अगर नहीं करती है तो फिर से जिस तरीके से 18 फरवरी को सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने एक साथ प्रयागराज पीएनपी जाकर सहयोग दिया था, फिर से आप सभी को एकजुट आना होगा और अपने आवाज़ के लिए हक उठाना होगा, ठीक है। क्योंकि जो पीएनपी है वो मानेगी नहीं, वो कहेगी कि हम प्रमोट नहीं करेंगे ये वो, ठीक। लेकिन जब आप अपना जब पॉइंट रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, तो प्रमोट करना ही हो करना होगा, ठीक है। इसमें भी कोरोना का डर आ रहा है, हाई स्कूल इंटर चुनाव, तो आपका एग्ज़ाम आप कहाँ जाओगे? क्या आपका सत्र लेट होगा? आप इस तरीके के जब आप पॉइंट रखेंगे तो पीएनपी कुछ ना कुछ करेगी और 100% कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात, जैसे कि आप सभी के लगातार ये सवाल आ रहे थे कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, सो फ्रेंड देखिए, स्क्रूटनी रिजल्ट तो कंफर्म है कि वो अप्रैल के 1st या 2nd वीक में आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट है, ठीक है। बट अगर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कहें तो उससे रिलेटेड अभी पीएनपी जो है वो अभी कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए आप सभी को आगे आना होगा, सक्रिय होना होगा। आपको जो भी हमने पॉइंट दिया, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु बोले हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है इसको मतलब फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर का नहीं, थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट करो और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। ताकि इससे क्या हो, आपका सत्र भी लेट ना हो और आप नई शिक्षक भर्ती में शामिल भी हो, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जो पीएनपी है वो कभी कुछ नहीं करेगी जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो 2 से 10 अप्रैल के बीच में देख लेते हैं कि पीएनपी कोई नोटिस जारी करती है या नहीं। 2 अप्रैल तो आ ही गया है ना, वो भी 1 वीक बीत जाएगा और देखते हैं कि उसके बाद पीएनपी का क्या रुतबा रहता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन डेट शीट निकालती है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।